न्यू मैक्सिको के बेहद करीब एक शहर है जिसमें बहुत सारी डीजल इंजन की आवाज़ आती है, पर हैरानी की बात यह है कि डिटेक्टिव भी इसे पहचान नहीं पाए। ये कहाँ से आती है, उसका स्रोत कहाँ से, वो भी नहीं पहचान पाए। और इंग्लैंड में रहने वाले एक शख्स ने अपने ही देश की 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया। नमस्ते भारतवासियों, मेरा नाम है दर्शन और इस एपिसोड का नाम है नॉटी मंकी। ये सब जानने के लिए अपनी आँख, कान, नाक और सभी इंद्रियों को काबू में रखे इस वीडियो में चिपक जाइए और बिना टाइम की कवाली ना करते चलो वीडियो की बकचोदी को स्टार्ट करते हैं। नंबर 13, स्टोनेज। स्टोनेज देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पर हैरान की बात यह है कि इस कलाकृति जिसमें पत्थर एक दूसरे के सहारे से टिके है, इसे कैसे बनाया गया है और इसके पीछे क्या मकसद था, ये किसी को आज भी नहीं पता। ये एक रहस्य बन के रह गया है। नंबर 12, बिगफुट। इसे लोग शासक क्वेच के नाम से भी जानते हैं। लोगों का मानना है कि बिगफुट यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बर्फीले पहाड़ में रहने वाला जीव है। इसे रंग रूप से देखकर कुछ इसे गोरिल्ला मानते हैं तो कुछ लोग इसे इसके चलने की अंदाज से मानव मानते हैं, मगर ये असल में है क्या, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला और ये रहस्य बन के रह गया है। नंबर 11, द लॉक नेस मॉन्स्टर। इसके बारे में इतनी रहस्यमय कहानी प्रचलित है कि लोगों का मानना है कि यह एक समुद्री जीव है। इसकी न जाने कितनी भी तस्वीर और वीडियो बनाए गए है जिसे देखकर इसे समुद्री सांप तो कोई डायनासोर का वंशज बताता है, और लोग यह भी कहते हैं कि इसे इस इलाके में तो कभी पानी के अंदर या तो कभी जमीन के ऊपर देखा जा चुका है, मगर असल में यह है क्या, एक रहस्य बन के रह गया है। नंबर 10, रोंजो रोंजो। रहस्यमय ईस्टर द्वीप पर जहां मुंह स्थापित है वहां पर एक नक्शेदार लकड़ी रखी हुई है, इसे लोग रोंजो रोंजो कहते हैं। इस लकड़ी पर क्या लिखा हुआ है इसे अब तक कोई नहीं जान सका, यह भी एक रहस्य बन के रह गई है। नंबर 9, जॉर्जिया गाइडस्टोन। अमेरिका के स्टोन एज के तौर पर जाना जाने वाला यह गाइडस्टोन जो एल्बर्ट काउंटी में स्थित है, इसको 1979 में ही बनाया गया है। इसकी दीवारों पर 10 नए कमांडमेंट्स अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रू, अरबी, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि ये क्या कहना चाहता है। अभी तक उसे 41 ईयर्स ही हुई है तो भी उसे कोई समझ ही नहीं पाया, जाने कैसा रहस्य होगा। नंबर 8, राशि खत वाला कातिल। 1960 और 1977 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी इलाकों में एक क्रिमिनल पाया जाता था जिसको पुलिस प्रेस राशि के तौर पर जानती थी। यह कातिल पुलिसों के दिमाग को खराब कर देने वाले खत लिखा करता था। इसके द्वारा भेजे गए 4 खतों में सिर्फ एक का मतलब पता चला है और दूसरे 3 खतों का कोई भी मतलब ही पता नहीं चला, वो एक रहस्य बन के रह गया है। साले ये कातिल कौन सी खित की मुड़ी होगा। नंबर 7, तमाम सुद। सन 1948 में दिसंबर की बात है, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में पड़ने वाले सोमरटन समुद्र के किनारे एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली। इस व्यक्ति की जेब में एक कागज मिला जिस पर तमाम सूद लिखा हुआ था। इस शब्दों को ट्रांसलेट करने पर उमर खैयाम के अनुसार अंत और खात्मा मिला। पूरी दुनिया और सरकारों को भी इस आदमी की मौत और ये कहां से आया था ये भी नहीं जानते हैं, ये भी एक रहस्य बन के रह गया है। नंबर 6, स्टैफोर्ड मॉन्यूमेंट इंस्क्रिप्शन। जो इंग्लैंड के स्टैफोर्ड शायर में एक मूर्ति स्थित है जिस पर लिखावट को आज भी कोई पहचान नहीं पाया। हैरानी की बात यह है कि इसको 18वीं सदी में ही बनाया गया था। वहां पर पाए जाने वाली चिट्ठियों को आज 250 साल हो गए तब भी कोई इसे पहचान नहीं पाया। नंबर 5, क्रिप्टोस। वर्जीनिया लांगले CIA हेडक्वार्टर बाहर एक मूर्ति खड़ी है। यह खूबसूरत आकृति को जिम सनवो ने बनाया था। इसके माध्यम से ये बताना चाहते थे कि हर चीज को पैटर्न के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। फिर इसको जानने के लिए 4 सेक्शन में खुदाई की गई, 3 का पता चल गया, परंतु चौथे सेक्शन का CIA के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी नहीं पहचान पाए, यह एक रहस्य बन के रह गया है। नंबर 4, ये चीज तो आपको पता ही होगा और इसके काफी सारी जानकारी भी आपको पता ही होगी, पर लेकिन एक बार चलो मैं भी रिपीट करा देता हूँ। मैं बात कर रहा था बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। यह मियामी, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच का इलाका है। इस ट्रायंगल में गुजरने वाले पायलट कहते हैं कि यहाँ कई जहाज, पानी के जहाज, यहाँ तक कि सबमरीन भी गायब हो चुकी है। ये सब घटना से कई लोग कहते हैं कि एलियंस और गैसीय प्रेशर को जिम्मेदार माने जाते हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी वास्तविकता कोई भी नहीं जानता। नंबर 3, जैक द रिपर। 18वीं सदी के अंत में जैक द रिपर नाम का 18 वर्षीय युवक लंदन के पूर्व विभाग की 11 स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया और इन्हीं स्त्रियों के शरीर को तहस नहस कर दिया। ये ऐसा क्यों करता था
और वह कभी भी पकड़ा नहीं गया, वह एक रहस्य बन के रह गया है। नंबर टू, वाइनिस लिपि। इस आधुनिक युग में मानव चांद पर भी गया है, लेकिन इस वाइनिस लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया और कोई भी समझ भी नहीं पाया। इस किताब में जो तस्वीरें मिली है उसी से थोड़ा बहुत पता चला है, पर लेकिन उसको पढ़ पाना असंभव है। नंबर वन पे आता है ताओसम, जिसे गुंज भी बोला जाता है। न्यू मैक्सिको के बेहद करीब एक छोटा शहर है जिसे ताओस बोला जाता है। ये ताओस के बारे में पूरी दुनिया चर्चित है। इस शहर के जो बाहरी इलाकों में डीजल इंजन की चलने की आवाज सुनाई जाती है, कई लोगों ने ये आवाज साफ साफ सुनी है। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई डिटेक्टिव मशीन ये आवाज कहां से आती है। ताओस इलाकों में रहने वाले नागरिकों के ये आवाज की आदत पड़ गई है। अब इन आवाजों को ताओसम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रहस्यमयी घटना बन गई है। इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला कि ये कहां से आती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मेरे और आपके दी एवरीवन हियर चैनल में फैक्ट, साइंस और रहस्यमय वीडियो की बात की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले घंटे को अपने मंदिर का घंटा समझ के दबा देना, क्योंकि नए वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके भेजे में जो भी सवाल गूंज रहा है वो मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे इंस्टा में जाओ और फॉलो करो और डायरेक्ट मैसेज करो। और दूसरा कुछ तो है ही नहीं कहने के लिए, तो जय हिंद, जय भारत।